ऑलराइट सो चाहे आपके बाल पतले हो रहे हो, चाहे आपके बाल व्हाइट हो रहे हो, चाहे आपको हैवी हेयर लॉस हो रहा है या फिर अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपकी जितनी भी हेयर प्रॉब्लम है ना, आज की इस वीडियो में इन सबका बेस्ट और सबसे इजी सॉल्यूशन आपका भाई आपको देने वाला है। वीडियो पूरा देखना, एक भी चीज स्किप मत करना, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और अगर आप चाहते हो ना आपके लुक्स को पूरा चेंज करना, अपने लुक्स को 100 टाइम एनहेंस करना, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, बिकॉज आपके जो बाल है ना ये आपके पूरे लुक्स को चेंज कर देते हैं। हैक नंबर वन, व्हाइट हेयर हैक्स। देखो, एज के साथ आपके जो व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम है ना, ये आने ही वाला है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है अपने 16, 17, 18, 19 या फिर 25 साल तक में ना, तब आपको इस पे ध्यान देने की एक्चुअली जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको व्हाइट हेयर क्यों आते हैं। देखो, आपका जो बाल है ना उसका कलर है व्हाइट, लेकिन उसको कलर कौन देता है? एक मेलानिन नाम का पिगमेंट उसे कलर देता है। आपकी बॉडी के अंदर जब मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है ना, तब आपके बाल व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये जरूर सोचोगे कि मन भाई, ये मेलानिन कम क्यों हो जाता है? सबसे पहला रीजन आता है जेनेटिक्स। अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, इनको व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम अर्ली एज से शुरू हुआ ना, तो हो सकता है आप भी ये प्रॉब्लम को फेस करो। अब देखो, जो भी जेनेटिकली ये चीजें होती है ना, इसे आप डीले कर सकते हो। दूसरा मेजर इशू आता है आपका स्ट्रेस। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, अगर आपको एंजाइटी है ना, तो ये चीज कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपके व्हाइट हेयर में। 2013 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट रिलेशन देखने मिला था आपके स्ट्रेस लेवल में और आपके व्हाइट हेयर में। तीसरी चीज आती है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी। देखो, ये जो विटामिन है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ ही में आपके बालों को कलर देने का काम भी ये करता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको व्हाइट हेयर जरूर आने हैं। चौथी चीज आती है स्मोकिंग। अब ये जो स्मोकिंग करते हो ना आप, इससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल है ना, ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और इसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके बालों तक ट्रेवल नहीं कर पाते जितना इफेक्टिवली उन्हें करना चाहिए था, और इस वजह से हेयर फॉल तो होता ही, और साथ ही में आपको व्हाइट हेयर भी देखने मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। सबसे पहली चीज, अपने विटामिंस के टेस्ट करा लो। अगर किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, आपका जो व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम है यहां से सॉल्व होने लगेगा। दूसरी जो चीज आती है, अपने बालों की बैंड बजाना प्लीज बंद कर दो। ये जो केमिकल बेस्ड हेयर कलर है या फिर जो हेयर डाई है या फिर जो आप रेगुलर अपने बालों को वॉश करते हो, रोज ही जो बालों को वॉश करते जा रहे हो, या फिर जो पैराबिन सल्फेट वाले शैंपू आप यूज कर रहे हो, इसे आज से ही स्टॉप कर दो। तीसरी चीज आती है, आपको कड़ी पत्ते लेने हैं, इसको आपको पीसना है, साथ में आपको लेना है दही, दोनों को मिक्स करो, इसे अपने बालों में अप्लाई करो एज अ हेयर मास्क। ये आपको वीक में 2 से 3 बार करना है, आप कुछ ही टाइम में इफेक्ट इसका नोटिस कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम जो हम में से बहुत सारे लड़के फेस कर रहे हैं, वो है हेयर थिनिंग। हमारे जो बाल है ये वक्त के साथ बहुत पतले होते जा रहे हैं, और इस वजह से आपके बालों में नेचुरल वॉल्यूम नहीं है, आपको रोज कोई ना कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करना पड़ रहा है अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। ऑल्सो जब आप अपने बालों में हाथ डालते हो ना, बहुत सारे बाल आपको टूट के हाथ में आने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है ना, आपका भाई बैठा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब देखो, ये जो हेयर थिनिंग है ना, ये 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले क्या होता है, आपके बाल नॉर्मली पतले होते जाते हैं। इसे कैसे चेक कर सकते हो, अपने पुराने फोटो को कंपेयर करो अपने अभी के फोटो के साथ में, या फिर अभी आप देख लो, आपको काफी चेंज दिखेगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपका जो टेम्पल एरिया है ना, यहां से धीरे धीरे बाल थोड़े से पीछे जाने लगेंगे। ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या होता है, ये जो टेम्पल एरिया के ऊपर वाला पार्ट है, ये बहुत डीप होने लगता है, ये स्टेज 3। और स्टेज 4 आता है जब एक्चुअली आपको रेसिडिंग हेयरलाइन होनी शुरू हो जाती है। देखो, स्टेज 3 तक तो मन भाई है आपके साथ, लेकिन स्टेज 4 की बात अगर हम करें, तो यहां पे आपको डॉक्टर की एक्चुअली हेल्प लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको शायद मिनोक्सिडिल की जरूरत पड़ सकती है, आपको डर्मा रोलर की जरूरत पड़ सकती है, इन वर्स्ट केस शायद आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। और अगर समझदारी की बात करें, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, आपका जो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, इसे आप इतने स्टेज तक आगे जाने ही ना दो, या तो स्टेज 1 या तो स्टेज 2 पे मैक्स इसे स्टॉप कर दो। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज आपको चाहिए एप्लीकेशन, और दूसरी चीज आपको चाहिए प्रॉपर डाइट। जब भी बात होती है एप्लीकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेयर ऑयल। अगर आपको बहुत हैवी हेयर थिनिंग हो रहा है या फिर अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, एक ऐसा हेयर ऑयल सिलेक्ट करो जिसके अंदर बायोटीन हो। बायोटीन बेसिकली बहुत लाइट होते हैं, ये हेयर ऑयल बहुत क्विकली आपके बालों में और आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल सके। बायोटीन के अलावा विटामिन बी5, रोजमेरी, मिंट, आर्गन ऑयल, विटामिन ए, टी ट्री ऑयल, ये
आपके ऑयल में जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि इन चीजों में जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपकी हेयर थिनिंग को सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव वे में ट्रीट करती है। अब चाहो तो द इंडी अर्थ का सुपर ब्लेंड बायोटिन हेयर ग्रोथ ऑयल यूज कर सकते हो, जिसमें ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन इसके साथ ही 21 नेचुरल हर्ब्स और ऑयल भी है। अब ये एक नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये एक हेयर ग्रोथ ऑयल है, और साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। आप जब भी इसे अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल भी ग्रीसी और हैवी आपको फील नहीं होने वाला है। ये आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही, लेकिन साथ ही में ये आपको स्ट्रॉन्गर हेयर देगा, थिकर हेयर देगा और लॉन्गर हेयर देगा। और इस ऑयल की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये कंप्लीटली नेचुरल है, मतलब आप बिना कुछ सोचे इसे यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब इस हेयर ऑयल को यूज करना भी आप समझ लो, आपको इसकी कुछ ड्रॉप्स लेनी है, उसे अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पे हल्के हाथों से मसाज करनी है, इसे ओवरनाइट रहने दो, सुबह उठने के बाद आप इसे नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लो, हो सके तो बायोटिन बेस्ड शैम्पू आप सिलेक्ट करना। ट्रस्ट में इस हेयर ऑयल के साथ 4 वीक चैलेंज लेके देखो, आपको अपने बालों की ग्रोथ में नेक्स्ट लेवल डिफरेंस दिखेगा। इसे परचेज करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। अब ये जो हेयर लॉस और हेयर थिनिंग को सॉल्व करने वाली पहली चीज थी एप्लीकेशन, वो हमने बेस कर लिया। अब बारी आती है डाइट की, बस आपको 3 चीजें रोज ऐड करनी अपनी डाइट के अंदर। सबसे पहली चीज है एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स ऐड कर लो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो पनीर, अगर आप एगिटेरियन हो तो एग्स ले सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हो। प्रोटीन आपकी हेल्प करेगा आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करने में। दूसरी चीज आपको चाहिए पंपकिन सीड, ये रोज खाना शुरू कर दो। ये नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करती है, आपके डीएचटी को ब्लॉक करती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी से हो सकती है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है जिंक सप्लीमेंट ऐड कर लो। जब से मुझे हेयर फॉल हुआ था ना, पहले मैंने जिंक सप्लीमेंट ऐड किया था, मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा स्टॉप हो गया। जिंक बेसिकली क्या करता है, आपके जो हार्मोन्स लेवल है ना उसे मेंटेन करता है, जिससे ये हार्मोनल इंबैलेंस ना हो और आपको जो हेयर लॉस हो रहा है ना वो ये रोक सकता है, और इस वजह से ये जिंक इतना ज्यादा इफेक्टिव है। हैक नंबर 3, और ये हैक आती है आपके बालों के डैंड्रफ को इतना इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए। अब देखो डैंड्रफ ऐसी चीज है ना जो हम लड़के बहुत ज्यादा फेस करते हैं, और लाइफ में कभी ना कभी आपने भी ये फेस किया ही होगा। वर्ल्ड की जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वो डैंड्रफ को डेली बेसिस पे फेस कर ही रही है। अब डैंड्रफ क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, आपकी जो स्कैल्प है ना ये थोड़ी सी इची हो जाती है और ये फ्लेकी हो जाती है। तो आपने देखा होगा आपके शोल्डर के पास या फिर आपके कपड़ों के ऊपर वो जो व्हाइट डेड स्किन सेल होते हैं ना, बस वही डैंड्रफ है। एंड मेरा यकीन मानो, डैंड्रफ को ट्रीट करना दुनिया की सबसे ईजी चीज है। लोगों को पता क्यों लगता है कि डैंड्रफ को ट्रीट करना बहुत ज्यादा हार्ड है, वो डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, पता नहीं क्या-क्या यूज करते हैं। बस ये 3 चीजें यूज करो, आपका डैंड्रफ गायब हो जाएगा। सबसे पहली चीज एप्पल साइडर विनेगर, थोड़े से अमाउंट में एप्पल साइडर विनेगर लो और उससे डबल अमाउंट में पानी लो, इन दोनों को मिक्स करो, अपने बालों पे और अपने रूट्स पे अप्लाई करो, और उसके बाद इसे वॉश कर लो। वीक में 2 बार आपको ये करना है। दूसरी चीज आपको चाहिए एलोवेरा जेल, आप जब भी शैम्पू करो उससे पहले अपने बालों पे एलोवेरा जेल अप्लाई करो। अगर आपने ऑलरेडी हेयर ऑयल अप्लाई किया है तब आपको एलोवेरा जेल अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो जब भी शैंपू करो उससे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करना शुरू कर देना। और तीसरी चीज आती है, वीक में 2 बार रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करके सो जाओ। हैक नंबर 4, और ये हैक मेरे उन सारे भाइयों के बहुत काम आने वाली है जिनके बाल डैमेज हो चुके हैं, जिनके बाल ब्राउन हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं। जब भी बालों में हाथ डालते हैं तब बालों में हाथ फंस जाता है। इसके अलावा अगर आपके बालों के अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं है ना, ये हैक आपके बहुत काम आने वाली है। ये हैक ना सिर्फ आपके हेयर डैमेज को रिवर्स करेगा, लेकिन साथ ही में आपके बालों में वॉल्यूम देगा, शाइन देगा, और जितनी चीजें आपको अपने बालों से चाहिए ना, जो खूबसूरत बाल आपको चाहिए वो ये हैक आपको देने वाला है। हैक के लिए आपको बस 2 बेसिक और बहुत सस्ती चीजें चाहिए। सबसे पहला कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। और दूसरी चीज आपको चाहिए एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिक्स करो, इसे अपने बालों के ऊपर अप्लाई करो, हल्के हाथों से मसाज करो, और उसके बाद आपको लेना है गरम टॉवल, उसे अपने सर के ऊपर आप इस टाइप से रैप कर लो, और उसके बाद इसे रहने दो आप 20 मिनट तक। अब ये काम करेगा एक नेचुरल हेयर स्पा का। 20 मिनट इसे टॉवल से ऐसे ही कवर करके रखो, और उसके बाद 40 मिनट तक ऐसे ही अपने बालों को रखो, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लो, जिसमें SLS पैराबेन एक्चुअली ना हो, इस टाइप के शैम्पू से वॉश करो। पहले ही दिन से आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट देखने मिलेगा, यकीन ना हो ट्राई कर लो भाई साहब। जो सलोन में स्पा के रिजल्ट मिलते हैं ना, वो मैं आपको घर बैठे सस्ते अमाउंट में दिला रहा हूं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, दबा के शेयर करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। इसके अलावा अगर आप अपने किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दो, आपका भाई जरूर वीडियो बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।